Dear student, I am Dr. Rahul Kumar Mishra, Department of Economics, Khwaja Muhyiddin Chisti Language Institute of Lucknow. So, students, today's topic is trade cycles, known as business cycle and Vyapar Chakra. It's the most important topic in macroeconomics analysis. Students, what do you mean by trade cycles? A trade cycle is hype rehta hai ki ट्रेड साइकिल है क्या, बिजनेस साइकिल्स है क्या? स्टूडेंट्स, दे आर फ्लक्चुएशन. ट्रेड साइकिल ऑलवेज नोन एज अ फ्लक्चुएशन. फ्लक्चुएशन किस सेंस में? इकोनॉमिक्स में फ्लक्चुएशन वर्ड यूज किया जाता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के एक पैक के रूप में. समटाइम्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और समटाइम्स डिफ्लेशन, मतलब इकोनॉमी जब फ्लक्चुएट करती है अप एंड डाउन के रूप में, तो उस पूरे के पूरे एक पैक, एक साइकिल को ले लिया जाता है. साइकिल अकॉर्डिंग टू उनके एज ए पीरियड, एज ए टाइम बेसिस पे लिया जाता है, और उस बेसिस पे ट्रेड साइकिल क्रिएट होते हैं, और ट्रेड साइकिल का एक प्रॉपर ड्यूरेशन भी होता है. बट ट्रेड साइकिल कोई एक निश्चित, एक सर्टन पीरियड, एक सर्टन पैटर्न इसका ट्रेड साइकिल का नहीं होता, बिकॉज ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल या व्यापार चक्र एक ऐसी एक्टिविटी है इकोनॉमी के अंदर जो अप एंड डाउन यानी फ्लक्चुएशंस के रूप में घटित होती रहती है. कई इकोनॉमिस्ट ने इसको डिफाइन किया है टाइम ड्यूरेशन को लेकर, और कई इसके टाइप्स बन जाते हैं वहां पर. तो पहले आप ये समझे कि व्हाट इज ट्रेड साइकिल. तो ट्रेड साइकिल किसी इकोनॉमी में वे फ्लक्चुएशंस हैं जो तेजी और मंदी के रूप में टाइम टू टाइम आते रहते हैं. आप गौर करते होंगे, कभी एकदम से प्राइस लेवल अप हो जाता है और कभी कभी प्राइस लेवल डाउन हो जाता है. तो दीज आर द फ्लक्चुएशन, ये वो फ्लक्चुएशन है जो ट्रेड साइकिल के रूप में जाने जाते हैं. तो अब इसके कुछ टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट. उन्होंने टाइप क्रिएट किए हैं, कुछ टाइप उन्होंने रिसर्च एम्पिरिकल एविडेंसेस के बेसिस पे रिसर्च किया है, और कुछ ऐसे साइकिल्स क्रिएट किए हैं और उसको डिफाइन किया है एज ए टाइम और उसके पैटर्न के बेसिस पे. तो उसमें से कुछ हम लोग टाइम लेते हैं. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो ट्रेड साइकिल की जो सिचुएशंस होती है अप एंड डाउन की, थोड़ा सा इस पे फोकस कर लेते हैं. ट्रेड साइकिल का जो इनिशिएट है, अगर आप एक इसको फिगर बनाते हुए कर्व के रूप में आप फिगर बनाते हुए इसको शो करना चाहें, तो जैसे एक वेव उठती है ऐसे ट्रेड साइकिल को दिखाया जाता है. और एक बार ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ते हुए दिखाया जाता है, जैसे अगर ऐसा सेकल थोड़ा सा ऊपर जाते दिखाते हैं, बिकॉज कि कोई भी इकोनॉमी कभी एक ही सिचुएशन में सस्टेन नहीं करती. एक छोटे से एग्जांपल इसको बताते हैं. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आपका कभी भी पिछले साल और अब की साल एक जैसा नहीं होता. गवर्नमेंट ऑलवेज ही इन्वेस्ट जब करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो पिछले आप बजट भी देख सकते हैं, जो लास्ट बजट होगा उससे ज्यादा आपकी बजट होगा, देन उसके बाद उससे ज्यादा होगा. तो उसमें कुछ ना कुछ हाइप रहता है 20% का, तो रहते रहते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये इसलिए ये जो फ्लक्चुएशन थोड़ा सा अपवर्ड दिखते हैं जाते हुए ऐसे वेव के रूप में, तो अगर इनको हम इनकी सिचुएशंस को पकड़े, इनकी स्टेजेस को पकड़े, तो स्टेजेस कैसे होंगी? फर्स्ट स्टेज इसकी आपकी मानी जाएगी आपकी प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी अपस्विंग है. अपस्विंग की तरह जब ऊपर को बढ़ रहा होता है, तो कोई इकोनॉमी आगे बढ़ रही होती है, अच्छे से आपका डेवलपमेंट गेन कर रही होती है, एट दैट मोमेंट जब वो ग्रोथ कर रही होती है अच्छे से, तो उसको हम लोग कहते हैं आपका ये अपस्विंग होता है आपका एक. और ये अपस्विंग पीक तक जाता है आपका. पीक लेवल किसी इकोनॉमी का वो लेवल मानते हैं जहां पे इकोनॉमी मैक्सिमम अपने रिसोर्सेस का यूज कर लेती है. तो ये जो प्रॉस्पेरिटी है कभी भी लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेशन के बेसिस पे नहीं हो सकती है. अगर मैं देखूं, अगर आप इस बात को समझे, ये ट्रेड के एक सिचुएशन है, जब ट्रेड साइकिल ऊपर को उठ रहा होता है, तो प्रॉस्पेरिटी एक सिचुएशन जो पीक तक जाती है. पीक में उसके रिसोर्सेज मैक्सिमम एम्प्लॉय हो जाते हैं, मैक्सिमम लगा दिए जाते हैं. आफ्टर दैट पीक के बाद, ये जो मैंने बताया आपको कि पीक तक जाना ये प्रॉस्पेरिटी है. प्रॉस्पेरिटी जब किसी इकोनॉमी बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, होती है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, ग्रोथ हो रहा होता है, मोस्ट ऑफ उसके जो फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो इनपुट्स होते हैं, उसको वो यूज कर रहा होता है, अपने रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूज कर रहा होता है, और इकोनॉमी को बूस्ट करता है, आगे तक ले जाता है.
लेकिन ये हमेशा नहीं चलता रहता। पीक पे जाने के बाद उस टाइम तक सरफेस बनी रहती है, आफ्टर दैट क्या चालू होता है, रिसेशन चालू होता है। रिसेशन है क्या, व्हाट इज रिसेशन, ये सेकंड स्टेज है आपके ट्रेड साइकिल की। रिसेशन का यहाँ पे सीधे सीधे मीन ये है कि जब कभी पीक के बाद नीचे की तरफ एक जो उसका डाउनवर्ड स्लोप चालू होता है, मोड़ बिंदु चालू होता है, जब इकोनॉमी नीचे की तरफ जाना चालू करती तो एकदम से नीचे नहीं आती, धीरे धीरे उसमें रिसेशन चालू होता है। रिसेशन एक प्रकार की हिंदी में इसको सुस्ती वर्ड यूज करते हैं हिंदी में, रिसेशन धीरे धीरे चीजें आपकी जो यूज की जा रही होती है वो ऑप्टिमम यूज नहीं रह जाता है इनपुट्स का, थोड़ा थोड़ा इकोनॉमी आपका डाउनफॉल की तरफ बढ़ती है, बट एकदम से कभी डाउनफॉल पे नहीं आती। फिर ये सेकेंड स्टेज के बाद आती थर्ड स्टेज, जो किसी इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा एक देखा जाए तो एक चिंताजनक स्टेज मानी जाती है, जो डिप्रेशन की स्टेट है, स्टेज है, जिसे मंदी के रूप में जानते हैं। हमने देखा भी होगा पैंडेमिक के ड्यूरेशन में कि एकदम से जो डिमांड सस्टेन कर रही थी बिल्कुल गिर गई डिमांड, और वहां पर आपने देखा कि कंज्यूमर डिमांड बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से नीचे गई। तो इस तरीके से डिप्रेशन आता है, तो आप गौर करेंगे यहाँ पे स्टेजेस में बताया, फोर मेन स्टेजेस होती हैं ट्रेड साइकिल की, और उसमें से पहली आपकी प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी पीक तक जाती है, कुछ समय सस्टेन करती है, आफ्टर दैट फिर रिसेशन चालू होता है, रिसेशन से धीमे 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 टाइम ड्यूरेशन में डिप्रेशन आता है। बट डिप्रेशन भी ऑलवेज बने ही रहता, बिकॉज मैंने पहले कहा था ऑटोनोमस जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से होता रहता है, और धीमे धीमे कहीं ना कहीं से वो बेस क्रिएट करता है इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए। तो डिप्रेशन भी ऑलवेज ही चलता नहीं रहता है, मंदी हमेशा चलती नहीं रहती, गवर्नमेंट एक्सपेंस अपना बढ़ाती है, एक्सपेंडिचर अपनी बढ़ाती है, जिससे लोगों के पास अर्निंग्स बढ़ते हैं, लोग डिमांड अपनी करते हैं चीजों की। जब वो डिमांड कर रहे होते हैं, फर्स्ट वो कंज्यूमर आइटम्स की डिमांड करते हैं, देन कंज्यूमर आइटम की डिमांड से बूस्ट होके फिर आपके जो इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और ये आगे इकोनॉमी को बूस्ट करता है, और फिर चालू होता है रिकवरी और रिवाइवल। तो रिकवरी धीमे धीमे इकोनॉमी फिर रिकवरी करती है, और प्रॉस्पेरिटी देन पीक। तो इस तरीके से फिर जब वो अपस्विंग लेती है तो पूरा का पूरा एक साइकिल क्रिएट हो जाता है, और इन दोनों जो आप माउंटेन के पीक्स होते हैं, इन दोनों पीक्स के बीच की जो एक पीरियड है, अवधि है, समय है, इसके बेस पे ही यहाँ पर टाइप्स क्रिएट किए, टाइप्स बताए जाते हैं आपके ट्रेड साइकिल यानी व्यापार चक्रों के। तो आई थिंक थोड़ा सा चीज आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि इनकी स्टेजेस क्या है। स्टेजेस मैंने बताया प्रॉस्पेरिटी है, पीक पे जाते हैं, आफ्टर दैट फिर रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन आता है, एंड देन इसके बाद रिवाइवल और रिकवरी, देन अपस्विंग। ये इसकी फोर स्टेजेस हो गई। अब आफ्टर दैट थोड़े से इसके टाइप्स जो है, जो बताए गए और नोन टाइप है, मैं उसकी चर्चा कर देता हूँ। मेन जो इसके टाइप्स जो बहुत वेल नोन है, जैसे कि मेनली फोर टाइप्स जिसको हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म के जो ट्रेड साइकिल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड साइकिल्स होते हैं जिनको कि 40 मंथ्स जिनकी एक पीरियड है, एक उनके जो क्या बोलते हैं, एक जो साइकिल है, एक वलय है, उसका जो पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है, वो आपका 40 मंथ्स रखा जाता है। और इसको फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था इकोनॉमिस्ट किचन ने, इसलिए उनके नाम से इनको किचन साइकिल्स के नाम से, यानी शॉर्ट साइकिल किचन साइकिल्स के नाम से जाना जाता है। आफ्टर दैट कुछ इसके बाद लॉन्ग टर्म साइकिल्स भी देखे जाते हैं, जिसे जुबलर साइकिल्स के नाम से जाना जाता है। क्लेमेंट जुबलर ने इसकी खोज की थी और बताया था कि इकोनॉमी में कुछ ऐसे साइकिल्स होते हैं जो कि लगभग लगभग 9 ईयर अबव के देखे जाते हैं, इससे 9 ईयर से ऊपर रहते, 9 to 10 ईयर्स के बीच में उनका एक साइकिल कंप्लीट होता है। एक साइकिल कंप्लीट होने में जब कह रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि प्रॉस्पेरिटी से स्टार्ट होके रिसेशन, डिप्रेशन, रिवाइवल, देन प्रॉस्पेरिटी के बीच का जो ड्यूरेशन है वो एक साइकिल क्रिएट करता है। और ये यहाँ पे बताता है, ये अगर वो 9.5 to 10 ईयर्स के बीच में वो एक साइकिल कंप्लीट करता है तो दैट इज नोन एज अ जुबलर साइकिल। क्लाइमेट जुबलर के नाम पे, जुबलर के नाम पे इसे जाना जाता है, इसलिए इसे जुबलर साइकिल्स बोला जाता है। देन इसके बाद एक रशियन इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने एक बहुत ही वेरी लॉन्ग टाइम साइकिल्स को एक एम्पिरिकल एविडेंसेस के बेसिस पे इंट्रोड्यूस कराया, बताया कि कुछ ऐसे साइकिल्स भी होते हैं जिनकी ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है, और वो लगभग लगभग देखा जाए तो 50 ईयर अबव
50 या अबव उनकी एक वेव क्रिएट होती है और उन इकोनॉमिस्ट का नाम था कोंडर ट्रीज, इसलिए इन्हें कोंडर ट्रीज ट्रेड साइकिल्स के नाम से ही जाना जाता है। और 6 से 6 to 7 आपके जुबलर चक जो होते हैं, आपके जुबलर साइकिल्स होते हैं, उनसे क्रिएट होती है एक कोंडर ट्रीज, जिसकी की जो एक ड्यूरेशन है, अवधि है, वो लगभग 50 to 54 years के बीच में मानी जाती है, लगभग आधी सदी के बीच में बोला जा सकता है, ऐसा एम्पिरिकल एविडेंसेस बताते हैं। फिर कुछ साइकिल्स आपके, जैसे कि आपके इस रियल एस्टेट से जुड़े साइकिल्स माने जाते हैं, और एक कुजनर साइकिल जिन्होंने छोटे साइकिलों का जो इम्पोर्टेंस था थोड़ा कम कर दिया, जो कि लगभग 14 to 22 years के बीच में आपका माना जाता है, कुजनर साइकिल्स बोला जाता है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि कुछ ऐसे साइकिल्स होते हैं जो 14 years से लेकर 22 years के बीच में ऐसे साइकिल्स क्रिएट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक टाइप्स था इसका ट्रेड साइकिल्स का, कि जो मैंने आपको हैंडी टाइप्स बताया, और भी टाइप्स होते हैं इसके, ऐसा नहीं कि और टाइप्स नहीं है, लेकिन जनरल हम लोग आपके किचन साइकिल्स, आपके जुबलर साइकिल्स एंड देन आपके कोंडर ट्रीज एंड कुजनर साइकिल्स को हम लोग देखते हैं। और आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि देयर आर 4 मेन स्टेजेस ऑफ एनी ट्रेड साइकिल्स, रिकवरी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड देन रिवाइवल। ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी और प्रॉस्पेरिटी, रिकवरी और रिवाइवल, ये इसके 4 स्टेजेस हैं। इसी के बीच में कोई ट्रेड साइकिल क्रिएट होता है, और एक उनका जो ड्यूरेशन होता है वो किचन भी हो सकता है, किचन साइकिल्स भी हो सकता है, जुबलर साइकिल्स भी हो सकता है, कोंडर ट्रीज भी हो सकता है, और कुछ भी साइकिल्स के रूप में भी स्टूडेंट्स हो सकता है। सो आज ट्रेड साइकिल्स में बस इतना ही। मैं डॉक्टर राहुल, और आज ये टॉपिक इतना।